जय हिंद दोस्तों, आज हम आपको एसीजी के बारे में बताएंगे। स्विच एक्सपेंशन जॉइंट जो कीमैन होता है हमारा, उसके बोल्ट कसते समय ये टूट जाता है प्लेट का, तो उसको कैसे रिपेयर करते दिख। तो देखिए प्लाईवुड लेवर है और ये ठीक कर रही है। पहले देख रही है कि किस किस होल में वो हमारा जो स्क्रू है वो फंस चुका है टूट कर, तो ये सब देख रहे हैं। और उसके बाद ये जो प्लेट दिख रही है आपको, इस प्लेट से हटा देंगे ये। हटाने के बाद और फिर ये देखिए एसीजी होता है, एसीजी नंबर बोर्ड होता है जिस पर डिस्ट्रीब्यूशन टेम्परेचर एम्परेचर सब लिखा हुआ होता है। तो फिर देखते हैं कि क्या कहते हैं ये किस में बोल्ट है। और फिर ये देखिए तो मिल चुके हैं स्क्रू हैं जिसके अंदर, कभी प्लेट हटाई जाएगी। और प्लेट हटाने के बाद अब हैमर से पिनड्रोल तोड़कर प्लेट निकाल लेंगे। और प्लेट हटाने के बाद स्लीपर से वो कर देंगे, क्योंकि इसके नीचे रबड़ पैड होता है, ऊपर से नहीं कर सकती क्योंकि ये भी पिघलने का खतरा रहता है। गाड़ी आ जाती है तो गाड़ी से भी बचना होता है। और जैसे कि आपको दिख रहा होगा ये गाड़ी आ गई है यहाँ पर, ये कर्व में है इसलिए दिखाई नहीं दे रही, तो हमें हटना पड़ता है। ऐसे लाइन से कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि हमने एक ही कंट्रोल तोड़ा था, उसे भी ठोक दिया था, ऐसे कोई डिस्करेज वाला मैटर नहीं है। और ना ही अभी हमने प्लेट निकाली थी तो ये गाड़ी निकल जाएगी। उसके बाद हमें पता है कि अगर मालगाड़ी आएगी तो हम कर लेंगे इतने तक, इतने ये पहुँचेगी गाड़ी, तो उसी हिसाब से होता है। कल तो बंदी ये है रिंग सेट करो जल्दी से गरम गरम पे ये चल जाएगी।